यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने कर दिया नया मंत्रालय बनाने का ऐलान। रूस ने बनाया सेक्स मंत्रालय, नए कारनामे ने किया दुनिया को हैरान। घरों की लाइटें और इंटरनेट होगा टाइम पर बंद ताकि बढ़ सके प्यार। रूस से जुड़ी खबरें लगातार सुर्खियां बटोरती हैं। इस बीच पुतिन की सरकार ने एक अजीबोगरीब फैसला किया है। यूक्रेन युद्ध के बीच इस फैसले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। रूस में देश की घटती जन्मदर से निपटने के लिए अनोखे तरीके आजमाने की कोशिश कर रहा है। रूस सेक्स मंत्रालय की स्थापना करने का विचार कर रहा है। इस मंत्रालय की अपनी गाइडलाइन होगी जिसे पूरे देश को माननी पड़ेगी। तो चलिए आपको इस बारे में विस्तार से बताता हूँ। रूस सरकार घटते जन्मदर को देखते वे एक नई पहल की शुरुआत करने जा रही है। सूत्रों की माने तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब देश में सेक्स मंत्रालय बचाने पर विचार कर रहे हैं। बता दें कि ये पहल राष्ट्रपति पुतिन ने जनसांख्यिकी गिरावट को रोकने के प्रयासों के तहत की जा रही है। यूक्रेन युद्ध के कारण और अधिक ये बढ़ गई है। इस मामले में रूसी संसद की पारिवारिक सुरक्षा समिति की अध्यक्ष नीना ओस्टिनिना ने इस प्रस्ताव में समीक्षा की है। इसके साथ ही पुतिन के समर्थक और डिप्टी मेयर ने प्रजनन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है और महिलाओं से अधिक बच्चा पैदा करने की अपील की है, जिसके तहत सेक्स मंत्रालय को जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए एक पहल के रूप में देखा जा रहा है। सेक्स मंत्रालय की समीक्षा प्रस्ताव में एक हैरान कर देने वाला सुझाव दिया गया है कि रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक इंटरनेट और लाइटें बंद कर दी जाएं ताकि जोड़े अपनी अतरंग गतिविधियों में समय बिता सकें। इसके अलावा मंत्रालय के द्वारा एक और प्रस्ताव है जो कि सरकार जोड़ों को गर्भधारण में प्रोत्साहित करने के लिए शादी की रात के होटल में ठहरने का खर्च उठाए जो कि 26,300 रूबल तक हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या रूस सरकार के इस फैसले से रूस की आबादी में बढ़ोतरी होगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।